नमस्कार, आप देख रहे पटनी 24 लाइव। खबर बगहा से है, जहां बाइक से लगी ठोकर के बाद कहा सुनी में हुई मारपीट में इलाज के दौरान एक युवक की मौत। वही इस घटना के बाद परिजनों में मची चीख पुकार। पूरा मामला बगहा पुलिस जिले के पटोली यूपी की है, जहां थाना क्षेत्र के कैलाश नगर नारायणपुर निवासी 27 वर्षीय विनोद बीन एक बिजली मिस्त्री को लेकर अपने घर पैदल जा रहा था कि अचानक बाइक सवार दो युवकों ने उसे ठोकर मार दिया, जिसके बाद कहासुनी हुई। उसके बाद बाइक सवार दोनों युवकों ने लाठी डंडे से मारकर विनोद को जख्मी कर दिया। वही जख्मी विनोद को परिजन इलाज के लिए बगहा अनुमंडलीय अस्पताल ले गए, किंतु गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने बेतिया GMCH रेफर कर दिया। फिर परिजन जख्मी विनोद को गोरखपुर ले गए, जहां इलाज के दौरान गोरखपुर में उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बाइक सवार दोनों युवक की पहचान कैलाश नगर निवासी मुन्ना सहनी और मंटू सहनी के रूप में हुई है। वही मौत के बाद परिजन विनोद के शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए शुक्रवार को बगहा अनुमंडलीय अस्पताल ले गए। इस मामले में पटखोली ओपी प्रभारी नीतीश कुमार ने बताया कि घटना में प्राथमिकी दर्ज कर दोनों बाइक सवार युवकों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी करने में जुटी हुई है। का नाम हो गया, वो जा रहा था लड़का बिजली मिस्त्री को बुलाने के लिए, ठीक है। तो उधर से बिजली मिस्त्री बुला के लेकर आ रहा था, तो मोटरसाइकिल से धक्का लगा उसको। तो बोला कि भाई अपनी मोटरसाइकिल तू देख के चला। तो बोलता है साला हम तुमको देख के नहीं चला रहे हैं, हाँ। तो बोलता है ठीक है जा, गाली मत दे तू जा। तो वहाँ गाली गुप्ता उन लोग किया। उसके बाद इन लोग आ गया गोलैया में, गोलैया में आया तो बोलता है मोटरसाइकिल आपसे लेकर आया, कह रहे साला तू का नाम हो हमको गाली क्यों दिया, हाँ। वहाँ पर बोला गया तब गाली दिया तो तेरे को जाने के लिए बोला था, तो वो सलाह वो गाली देने को ऐसे कहता है तू माता चौतरे को पूछता नहीं है, हैं। बस वो पटक उसको मारना शुरू किया, मारना शुरू किया। तीसरा आदमी वहाँ छुड़ाया तो वो भी डंटे से छुड़ाया, डंटा से छुड़ाया तो दो दो डंटा मारा इन्हीं को, ठीक है। और लड़का बरियार था तो इनको भी पटक के मार रहा था, ऊपर से जो छुड़ाने वाला भी था वो इन्हीं को मार दिया, ठीक है। तो ये झगड़ा छूट गया वहाँ से। उसके बाद ये लड़का दोनों वहीं बैठ गया और मोटरसाइकिल वाला कुछ आगे गया, आगे गया तो जाकर वो छिप गया कि इधर से आएगा तो इसको मारेंगे। उसके बाद जब ये गया लड़का सोचा कि वो चले गया वो घर, जब घर नहीं गया वो छिप गया था, तो ये उसी रास्ता से निकला गया। बस वहाँ पर वो बड़ा सा बसेटा उठाया और इस लड़का को मारा, मारा तो लड़का भागा है, भाग के जाके एक नेटवाइन के घर में लुकाया, हाँ। उसके बाद भी नेटवाइन के घर में डूब कर वो धड़ाधड़ इसको मस्तक पर मार दिया है। यही मामला था। कब की घटना है? कल का 8 से 9 बजे की घटना है। इनकी मौत कहाँ हुई है? मौत इनका रास्ता में, इलाज के दौरान, इलाज के दौरान बगहा लेकर आए थे, बगहा से रेफर किए बेतिया, बेतिया रेफर कर दिया था गोरखपुर, पटना किया था, हाँ। पटना में जब रेफर किया था इन लोग जा रहा था, तब में रास्ते में इनका जान हो गया। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम विनोद सहनी है। बाइक धक्का डाला, बात बात में झगड़ा भाई, गाली वाले करते करते झगड़ा हुआ, हाँ किया गया है। तो कौन है वो लोग, पहचान हुए उनकी? पहचान हुआ। कहाँ इनकी डेथ हुई है? इनके बात रास्ते में हुई, और कुर्ले आ रहे थे रास्ते में, इलाज के दौरान। क्या नाम हुआ आपका? गौरी शंकर। उनका क्या नाम है जो? विनोद। कहाँ घर है? नारायणपुर हाट, वार्ड नंबर 8।